सहारनपुर में 5 अक्टूबर को नानौता रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने गांव टिकरौल में अपने गांव जा रहे शेखर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। थाना गंगोह प्रभारी जसवीर सिंह ने अपनी पुलिस एवं क्राइम ब्रांच टीम के सहयोग से 7 बदमाशों की गिरफ्तारी करते हुए किया भांडाफोड़, जिनके पास से 2 मोटरसाइकिलों सहित अवैध असलाहा हुआ बरामद, जिसका खुलासा आज एसएसपी सहारनपुर द्वारा भी पत्रकारों के समक्ष किया गया। आपको बता दें कि मामला क्या था। शेखर निवासी ग्राम रानीपुर अपनी बाइक से 5 अक्टूबर को गांव टिकरौल से अपने घर जा रहा था कि अचानक बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने शेखर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसको गंभीर अवस्था में PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट थाना गंगोह में लिखा दी गई थी। 5 अक्टूबर की रात्रि में थाना गंगोह क्षेत्र में 2 युवक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जिन्हें 2 अज्ञात युवकों ने आकर गोली मार दी, उनमें से एक युवक को। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए कई टीमें बनाई घटना के अनावरण के लिए, और इसमें पुलिस के सतत प्रयास से स्वाट और सर्विलेंस टीम के सहयोग से थाना गंगोह ने ये घटना का अनावरण किया है, जिसमें कि 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि ये सभी एक ही स्थान के पढ़ने वाले युवक हैं, और वहाँ पर इनकी आपस में किसी युवक से झगड़ा हुआ था, और उस युवक से झगड़ा होने के पश्चात इन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए अपना पूरा दल को इकट्ठा किया और ये घटना को कारित करने का पूरा योजना बनाई। मुखबिरी के दौरान इनसे ये गलती हो गई, जिस युवक को इन्हें गोली मारनी थी वो युवक की सही से पहचान न करके इन्होंने जिस घायल युवक को गोली लगी है उसकी पहचान कर ली और गलती से उसे गोली मार दी। इस पर ये काफ़ी ब्लैंक केस था, जिसमें कि पुलिस को डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, परंतु CCTV कैमरा सर्विलेंस और लोकल मुखबिरी के आधार पर टीम ने इसका अनावरण किया है और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, और इसमें इनसे एक तमंचा, 16 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई हैं। जो योजना बनाई थी उसके अनुसार इन्होंने एक दिन नियत किया और उस शाम को जिस युवक को इन्हें गोली मारनी थी वो चिन्हित युवक जिम से निकला और वहाँ रास्ते में उसी प्रकार के कपड़े पहने जो घायल था वो भी वहाँ से जा रहा था जिसे गोली लगी थी, और गलती से उसे गोली मार दी इन्होंने। और जब अगले दिन इन्होंने अखबार में पढ़ा तो इनको इस बात की जानकारी हुई कि इन्होंने गलत व्यक्ति को गोली मार दी है, जिसके पश्चात ये लोग कई क्षेत्र छोड़ के जा भी चुके थे, और बाद में पुलिस की पूरी कार्रवाई के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है और साक्ष्य संकलन कर इसी के आधार पर इनको जेल भेजा जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।